बीफ कढ़ाई बकरा ईद पे बनाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियां बहुत हैं, दिन बड़ा है। मैं बीफ कढ़ाई की एक शॉर्ट सी रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। टेस्ट वही बनेगा जो रेस्टोरेंट पे आप लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। क्या मैं आपको बड़ी ईद पे बड़े दिनों में गर्मी के दिनों में आसान और शॉर्ट रेसिपियाँ सिखाऊँ? बीफ कढ़ाई बकरा ईद पे बनाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियाँ बहुत हैं, दिन बड़ा है, मसला बनता है ख्वातीन के लिए जब वो किचन में जाती हैं, गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। मैं बीफ कढ़ाई की एक शॉर्ट सी रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। यहाँ पे 1.5 kg 1.5 किलो हमने बीफ ले लिया, अच्छे तरीके से इसको हमने वॉश कर लिया, धो लिया, साथ में हड्डियाँ भी हैं, बोन भी है और बोनलेस भी है, ठीक हो गया। इसका वजन 1.5 किलो बनता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जूसर का जग ले लेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 अदद सब्ज मिर्च डालेंगे, बस, ठीक हो गया। और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक, 1 इंच का टुकड़ा हमारे पास ये अदरक का है, हमने 4 पीसों में किया हुआ है, और 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, ये शामिल कर देंगे। साथ में हमारे पास 4 अदद टमाटर हैं, ये भी हम जूसर वाले जग में शामिल कर देंगे इस तरीके से काट के। शॉर्ट रेसिपियाँ जो बतानी हुई हैं, गल समझ नहीं आ रही बाबा जी, ये टेस्टफुल बनेंगी, टेस्टफुल बनेंगी, कमाल हो जाएगा, आप उंगलियाँ चाटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से, आप देखेंगे कि बाबा जी आपने वाकई हमें बड़े दिनों में, गर्मी के दिनों में, बड़ी ईद पर छोटी रेसिपियाँ दे के हमारा काम आसान कर दिया है। अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, पेस्ट तैयार कर लिया, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, फास्ट बनेगी, फटाफट बनेगी। साथ में अब हम इसके अंदर कुछ मिसाले शामिल करते हैं, तवज्जो से आपने देखना है। हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली 1 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1/4 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, कुकिंग ऑयल ये 1 टेबल स्पून, ये सिर्फ हम कुकिंग ऑयल इसलिए भी डाल रहे हैं ताकि हमारे प्रेशर कुकर की सेफ्टी रहे, ठीक हो गया। इस तरीके से साथ में हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी का, इसके साथ का डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं, ये लीजिए 1 गिलास पानी का शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। और ये जो गोश्त है मेरे पास, ये जिस बच्चे का है, ये हल्का बच्चा था 2.5 से 3 मन का, इसको 20 मिनट लगेंगे टेंडर होने में, हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद स्टीम को रिमूव कर दिया, प्रेशर कुकर को खोलने लगे हैं, एहतियात क्या करें, स्टीम रिमूव करके ठंडा होने के बाद इसको खोला करें। कंडीशन आपको दिखा सकते हैं, माशाल्लाह कितनी कमाल की कंडीशन तैयार हुई है, ये देखें आप इस तरीके से, गल समझ आ रही है, पूरा पूरा पानी, पूरी पूरी हर चीज़। अब हूँ बाबा जी, अब आपने इसको क्या करना है, बीफ कढ़ाई का फ्लेवर लाने के लिए हम इसको यहाँ पर कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। जो काम प्रेशर कुकर का था वो हो गया, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पानी खुश करेंगे। ये ले जी, पानी खुश्क हो गया है और गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, ठीक हो गया। मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आराम से टूट जाता है, ये हमारा गोश्त भी गल गया और पानी भी खुश्क हो गया। कुर्बानी का जो गोश्त होता है, कुदरती तौर पे उसके अंदर फैट मौजूद होता है, आयल होता है, इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसको थोड़ी सी शाइन देने के लिए, मार्केट वाला कलर बनाने के लिए, इसके अंदर हम 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे, ये इनफ रहेगा 1.5 kg में। अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ऑयल के साथ। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, तवज्जो से वर्किंग टेबल अच्छे तरीके से लिबड़ा होना चाहिए तो कढ़ाई का मज़ा आएगा। साफ सुथरे तरीके नाल बनाओगे तो सही तरीके नाल खुरपी बेच तो लोहे की कढ़ाई नहीं होएगी, फिर बकरा ईद पे टेस्ट नहीं आने वाला। गरम मसाला इस टाइम पे डालेंगे 1 टीस्पून, पहले नहीं डालेंगे, ब्लैक की तरफ चली जाएगी कढ़ाई इस तरीके से। और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। ये दही है मेरे पास, ये दही शामिल करेंगे 50 ग्राम जितनी इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम दही का पानी खुश करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अच्छा जी, दही का पानी खुश करने के बाद इसकी स्मूथ ग्रेवी तैयार हुई है, गल समझ आ रही है, ये देखें मैं आपको दिखा सकता हूँ इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से आपकी कढ़ाई बननी चाहिए, दाने दाने नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। ये दाने दाने उस टाइम बनते हैं आपकी कढ़ाई में जब आप हाई फ्लेम पे दही दाब देते हो चौके और दही को अच्छे तरीके से फेंटते नहीं हैं, ठीक हो गया। ये मेरे पास डंठल के साथ कटी हुई मिर्ची हैं, ये इस तरीके से डालेंगे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे।
जी अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी रेडी है, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। सब्ज़ धनिया हल्का सा जो कढ़ाई की जान है इस तरीके से डालेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बकरा ईद के पहले दिन आपने इसको तैयार कर लेना है और फैमिली के साथ इंजॉय करना है, फटाफट से शॉर्ट तरीके से बन जाती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी बीफ कढ़ाई की बकरा ईद को लेकर के जो शॉर्ट अंदाज में हमने आपको बताई अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।